हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एआर नेटवर्क। आज की इस वीडियो में मैं बर्थडे अटैक के बारे में बात करूंगा। ये बर्थडे अटैक का पार्ट टू होगा। पार्ट वन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, उसमें मैंने पूरा वेब सर्वर जो कि बर्थडे अटैक में यूज़ होता है, जो स्निफ्स होती हैं, उस सारी चीज़ों के बारे में मैंने अपनी पहली वीडियो में बर्थडे अटैक वाली में बता दिया था। अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मैंने दे दी है, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो में मैं कुछ बर्थडे अटैक के टाइप्स के बारे में, स्टेजेस के बारे में और कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हो बर्थडे अटैक से, इसके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कशन करूँगा और आपको बताऊँगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लो, और अगर बर्थडे अटैक का पार्ट वन देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ और देखो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली बर्थडे अटैक एक क्रिप्टोग्राफिक अटैक होता है, जिस जो कि एक प्रोबेबिलिटी थ्योरम के ऊपर या प्रोबेबिलिटी कॉलिजंस के ऊपर वर्क करता है। इसमें रेंडमली हैश वैल्यूज सिलेक्ट की जाती हैं और उन हैश वैल्यूज़ को उस रेंडमली सिलेक्टेड वैल्यू के साथ मैच करा जाता है। एक डिज़ायर्ड इनपुट और डिज़ायर्ड आउटपुट और डिज़ायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि हम किसी के भी सिस्टम के ऊपर गेन एक्सेस कर सके। तो बेसिकली जो बर्थडे अटैक होता है वो क्रिप्टोग्राफिक अटैक होता है, जो एडवांटेज लेता है प्रोबेबिलिटी कॉलिजन का। ये अटैक आपको तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब आपने प्रोबेबिलिटी थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है वो आपने पूरी तरीके से क्लियरली समझ लिया होगा, बेसिक्स क्लियर होंगे प्रोबेबिलिटी थ्योरम के। अब मैं कुछ टाइप्स के बारे में आपको बता रहा हूँ बर्थडे अटैक के। पहला टाइप आता है कोलिजन अटैक। कोलिजन अटैक में क्या होता है, एक अटैकर होता है, वो दो डिफरेंट इनपुट फाइंड आउट करता है जो सेम आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मान लीजिए एक कमरे में कोई चार लोग बैठे हुए हैं, हम उन चार में से कोई भी दो बंदों को सिलेक्ट करेंगे जिनका बर्थ डेट सेम होगी, ठीक है। अब चार आदमियों में तो ये चीज़ बहुत कॉमन नहीं होगी कि दो का सेम इनपुट आ जाएँ, दो के सेम बर्थडेज आ जाएँ, लेकिन जब बहुत सारे लोग होंगे, 100-200 लोग होंगे, तब उसमें से 100-200 में से कोई भी दो लोग या कोई भी दो चार लोग ऐसे ज़रूर होंगे जिनका बर्थ डेट सेम होगी। तो कोलिजन अटैक यही अटैक है, हम दो डिफरेंट इनपुट को सिलेक्ट करते हैं जो कि सेम आउटपुट देते हैं, और अटैकर इन चीज़ को फाइंड आउट करने के बाद फेक डिजिटल सिग्नेचर बना लेता है उनके सिस्टम के ऊपर एक्सेस करने के लिए। भाई जिसका सेम बर्थ डेट है या जिसकी सेम इनपुट है तो वो क्या करेगा, दूसरे वाले के सिस्टम में भी एक्सेस कर सकता है, क्योंकि जब इनपुट सेम होंगे तो हैश फंक्शंस भी उनके सेम होंगे और वो उनके जो सिस्टम होगा या उनका जो अकाउंट होगा उसके ऊपर वो एक्सेस कर लेता है। तो ये हमारा कोलिजन अटैक होता है। सेकेंड आता है प्री इमेज अटैक। प्री इमेज अटैक में क्या होता है, जो हमारा अटैकर होता है वो फाइंड आउट करता है एक ऐसे इनपुट को जो प्रोड्यूस करता है एक स्पेसिफिक हैश आउटपुट को। मींस जो कोलिजन अटैक होता है उसमें हम कोई भी दो डिफरेंट वैल्यूज ले लेते थे जिनकी सेम हैश फंक्शन हो। इसमें हम क्या करते हैं प्री इमेज अटैक में, इसमें हम एक ऐसा इनपुट लेते हैं जो स्पेसिफिक आउटपुट या स्पेसिफिक हैश वैल्यू हमें दे। हम इसमें कोई सा भी दो डिफरेंट इनपुट नहीं ले सकते, इसमें हमें स्पेसिफिक इनपुट और स्पेसिफिक हैश आउटपुट सिलेक्ट करना पड़ता है। ये जो अटैक होता है ये कोलिजन अटैक से काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हमें इसमें स्पेसिफिक इनपुट लेना पड़ता है। कोलिजन अटैक की तरह कोई भी दो डिफरेंट वैल्यूज़ हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम स्पेसिफिक इनपुट करेंगे और वो अगर कोई भी स्पेसिफिक आउटपुट प्रोड्यूस करेगा और उन हैश फंक्शन को जब हम मैच करेंगे और अगर वो मैच कर जाते हैं तो हमारा जो टारगेट होगा, जो अटैकर होगा, वो गेन एक्सेस कर लेगा हमारे टारगेट के सिस्टम के अंदर। तो इसको हम प्री इमेज अटैक कहते हैं। नेक्स्ट आता है साइड चैनल अटैक। साइड चैनल अटैक में क्या होता है, जो अटैकर होता है वो वल्नरेबिलिटीज़ या फिर वीकनेस को चेक करता है कि किसी भी सिस्टम के अंदर कौन कौन सी वीकनेस हैं, और उन वीकनेस को वो फिज़िकली इम्प्लीमेंट करता है ताकि वो क्रिप्टोग्राफिक
अटैक को परफॉर्म कर सके या बर्थडे अटैक को परफॉर्म कर सके क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम के अंदर। इसमें क्या होता है, वीकनेस जैसे कि पावर कंसप्शन, मान लो वो पावर बहुत तेज़ी से साथ खा रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जो रेडिएशंस उन सिस्टम के अंदर से निकल रही हैं, ये भी एक वीक पॉइंट होते हैं। तो इन सारी वल्नरेबिलिटीज़ को अटैकर जो है वो फाइंड आउट करता है, और इस इन चीज़ों से क्या होता है, सीक्रेट कीज़ एक्सट्रैक्ट हो जाती हैं, सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस जो है हमारी लीक हो जाती हैं। तो इसको हम साइड चैनल अटैक कहते हैं, जिसमें जो अटैकर होता है वो वल्नरेबिलिटीज़ और वीकनेस को चेक करता है और उसके बाद क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम के अंदर अटैक करता है सीक्रेट कीज़ और इन्फॉर्मेशन जो है वो निकालने के लिए। इसको हम साइड चैनल अटैक कहते हैं। नेक्स्ट आता है सर्टिफिकेट अथॉरिटी अटैक। इसमें क्या होता है, हमारा जो अटैकर है वो एक सर्टिफिकेट बनवाता है एक ट्रस्टेड अथॉरिटी से, और बिल्कुल वो ओरिजिनल जैसा सर्टिफिकेट लगता है, और उसमें क्या करता है वो आपके जो अटैकर होता है या जो जो हैक करता है उसको, उसका ऊपर वो सर्टिफिकेट लगा देता है, और वो सर्टिफिकेट ओरिजिनल सर्टिफिकेट की तरह लगता है, और उस सर्टिफिकेट को जब हम सबमिट करते हैं अंदर, तो वो कोई भी उसको पहचान नहीं पाता है कि ये एक एक डिजिटल सिग्नेचर की तरह फेक बनाया हुआ है ये। तो इससे क्या होता है, जो अटैकर होता है वो मैन इन द मिडिल अटैक जो है परफॉर्म करता है और इम्परसोनेट करता है एक लेजिटिमेट वेबसाइट के ऊपर, किसी भी वेबसाइट के ऊपर अटैक कर सकता है वो इन सर्टिफिकेट अथॉरिटी अटैक के हेल्प से। ये क्या होता है, ये बेसिकली जैसे डिजिटल सिग्नल हम फेक कर सकते हैं, वैसे ही हम एक ट्रस्टेड अथॉरिटी से एक हम जो सर्टिफिकेट है वो फेक भी बनवा सकते हैं, ताकि हम मैन इन द मिडिल अटैक को इम्परसोनेट कर सकें किसी भी वेबसाइट के ऊपर। नेक्स्ट आता है सर्टिफिकेट अटैक या कोलिजन अटैक ऑन मैक एल्गोरिदम। मैक क्या है, मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। इसमें अटैकर फाइंड आउट करता है दो डिफरेंट मैसेज को जो सेम मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड प्रोड्यूस कर रहे हैं। इससे क्या करता है, वो सिक्योरिटी को ब्रेक करता है सिस्टम की और सिस्टम के अंदर एक्सेस कर लेता है हैक करने के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की, जो कि है स्टेजेस ऑफ बर्थडे अटैक। पहला स्टेज आती है बर्थडे अटैक की, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन। इसमें क्या होता है, जो अटैकर है वो कैलकुलेट करता है प्रोबेबिलिटी कोलिजन की। कोलिजन का मतलब होता है कि मान लो कोई भी सेम इनपुट हम लेंगे या कोई भी दो डिफरेंट हम इनपुट लेंगे, उससे सेम हैश फंक्शन निकलेगा या नहीं निकलेगा, इसको प्रोबेबिलिटी कोलिजन या प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन हम कहते हैं। तो अटैकर क्या करेगा, सबसे पहले कैलकुलेट करेगा प्रोबेबिलिटी कोलिजन की, जो कि उनके साइज ऑफ इनपुट के ऊपर डिपेंड करती है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने इनपुट स्पेस 2n ले लिया, तो जो प्रोबेबिलिटी होगी कोलिजन की वो अप्रॉक्सीमेटली 0.5 हो जाएगी। ये कैसे निकल रही है प्रोबेबिलिटी, ये आपने प्रोबेबिलिटी थ्योरम में पढ़ रखा होगा, इसीलिए मैं कह रहा था कि इसको पढ़ने से पहले आपको प्रोबेबिलिटी थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। तो अगर इनपुट 2n है, तो जो प्रोबेबिलिटी कोलिजन्स होंगी वो अप्रॉक्सीमेटली 0.5 हो जाएंगी, या फिर हम कह सकते हैं उसको स्क्वायर रूट 2n। ठीक है, अब सेकेंड स्टेज आती है जनरेशन ऑफ कोलिजन्स, मतलब कोलिजन को कैसे जनरेट होंगे सेकेंड स्टेज पर वो करता है अटैकर। तो जो अटैकर होगा वो जनरेट करेगा पेयर ऑफ इनपुट्स को, जो कि हैश फंक्शंस, सेम हैश फंक्शंस प्रोड्यूस करेंगे। मान लो कोई दो डिफरेंट हमने कोलिजन ले लिए, अब वो दो डिफरेंट हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे जिनका जो हैश फंक्शन है वो सेम होना चाहिए। तो अटैकर इन सारे मेथड से उन इनपुट्स को सिलेक्ट करेगा। अब वो कौन से मेथड हैं, वो है आपके ब्रूट फोर्स अटैक, प्री कॉम्प्यूटेशन अटैक्स या फिर एलजेब्रिक अटैक्स। ये जो ब्रूट फोर्स अटैक, प्री कॉम्प्यूटेशन, एलजेब्रिक अटैक्स, ये थोड़े हाई लेवल के अटैक्स हैं। जैसे ब्रूट फोर्स सर्च अटैक, इसको तो मैंने आपको एक वीडियो में बता दिया है, वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लो आप जाके। बाकी जो प्री कॉम्प्यूटेशन और एलजेब्रिक अटैक्स हैं, ये काफ़ी एडवांस लेवल के अटैक्स हैं, इसकी वीडियो भी बहुत जल्दी आएगी। तो ये जनरेशन ऑफ कोलिजन था। थर्ड स्टेज आती है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कोलिजन्स। इसमें क्या होता है, जो अटैकर होता है वो जो जनरेट करी हुई कोलिजन्स होती हैं उसको वेरियस अटैक से जनरेट करता है या कैरी आउट करता है।
जैसे कि फॉर्गिंग डिजिटल सिग्नेचर्स, उस हैश से वो डिजिटल सिग्नेचर्स, फेक डिजिटल सिग्नेचर्स क्रिएट करता है, या बाईपास करता है ऑथेंटिकेशन चेक्स को, जैसे जो कैप्चा होता है या टू फैक्टर ऑथेंटिकेशंस होती हैं, उस हैश से जो अटैकर होता है इन चीज़ों को बाईपास करता है, इम्परसोनेट करता है लेजिटिमेट यूज़र्स को बेसिकली। मतलब जैसे जो भी आपके जो स्टेजेस होती हैं, जैसे मान लो कोई भी किसी भी अकाउंट को आपको लॉगिन जब आप करते हो तो पासवर्ड मांगता है, तो उस पासवर्ड को बाईपास करता है उन हैश फंक्शन की हेल्प से। फिर मान लो अगर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा रखा है तो उसको भी बाईपास कर देता है वो उन हैश फंक्शन की हेल्प से। तो इस थर्ड स्टेज को एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कोलिजंस कहते हैं। अब फोर्थ जो आती है वो कोई स्टेज तो नहीं है, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको स्टेजेस के अंदर ही उसको रखा है, जो कि है मिटिगेशन। मिटिगेशन में क्या होता है, ये काउंटर फील्ड प्रोवाइड करता है या काउंटर मेजर्स प्रोवाइड करता है कि हम अपने हैश फंक्शन को बड़ा कर दें कि हैश फंक्शन को, ताकि जो रिस्क होगा किसी भी सिस्टम में गेन एक्सेस करने का वो कम हो जाए। तो इसमें डिफेंडर इम्प्लीमेंट करता है काउंटर मेजर्स जो कि रिड्यूस कर देता है सक्सेसफुल ऑफ बर्थडे अटैक, मतलब बर्थडे अटैक का पूरा होना, यानी कि कंप्लीशन ऑफ बर्थडे अटैक को वो कम कर देता है। अगर हम पासवर्ड बड़ा रखेंगे, या तो पासवर्ड बड़ा रखेंगे तो उसकी जो हैशेज होंगी वो बड़ी होंगी, और जब हैशेज बड़ी होंगी तो दो इनपुट को एज अ सेम हैश फंक्शन जो हम मिलाते हैं, मैच करते हैं, उनका जो मैचिंग होगा वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और जब डिफ़िकल्ट हो जाएगा तो बर्थडे अटैक का जो सक्सेसफुलनेस है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। तो इसको हम मिटिगेशन कहते हैं। तो ये कुछ स्टेजेस थी बर्थडे अटैक की जो मैंने आपको बता दी। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं बर्थडे अटैक को और अच्छे से समझने के लिए। मान लीजिए जो अटैकर होगा वो फाइंड आउट कर रहा है दो डिफरेंट मैसेजेस को या दो डिफरेंट वैल्यू को, जो रिजल्ट करेगी सेम 32 बिट हैश फंक्शन के लिए। तो इसमें क्या होगा, देखिए जैसे जैसे जो बिट का साइज़ बढ़ेगा वैसे वैसे आपका जो प्रोबेबिलिटी होगी फाइंडिंग कॉलिजन वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब जैसे जैसे हैशिंग का साइज़ बढ़ेगा, हैश्ड फंक्शन का साइज़ बढ़ेगा, वैसे ही जो प्रोबेबिलिटी होगी सेम हैश फंक्शन फाइंड करने की वो बढ़ जाएगी। तो अगर हमें 32 बिट डाइजेस्ट को फाइंड आउट करना है तो कम से कम हमें हैशिंग जो कैलकुलेट होगी वो होगी 77,163 मैसेजेस की। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर है। तो जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे कोलिजन की वो कम से कम 50% होगी, 77,163 अराउंड 50% हो गया। इसका मतलब ये होगा कि 50% चांसेस हैं कि जो दो मैसेज हैश होंगे, कितने मैसेजों में से, 77,163 मैसेजों में से 50% चांसेस हैं कि कोई भी 32 बिट वाले डाइजेस्ट की सेम हैश वैल्यू होगी, 50% चांसेस हैं। अब जैसे जैसे ये हैश्ड फंक्शन या मैसेज, जैसे जैसे ये जो मैसेज है 77,173 या 163, जैसे जैसे इसका नंबर हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे हैश की वैल्यू बढ़ जाएगी, या वैसे वैसे जो प्रोबेबिलिटी है फाइंड आउट करने की वो बढ़ जाएगी। तो जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने की वो कम से कम 100% पे पहुंच जाएगी अगर हम 2 to the power 16 कर दें। मतलब अगर 65,536 कर दें तो 100% या फिर 99.9% कोलिजन जो प्रोबेबिलिटी है वो वहाँ पर पहुँच जाएगी। और जब अटैकर किसी भी कोलिजन को फाइंड आउट कर लेगा तो वो इन मैसेजेस के लिए या इन जानकारी के हिसाब से वो कोई भी अटैक परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि वो इन कोलिजन के लिए दो डिफरेंट डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकता है, सेम हैश वैल्यू क्रिएट करने के लिए कर सकता है, या फिर फॉरगेरी अटैक करने के लिए जो है यूज़ कर सकता है। तो आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ प्रिवेंशन की बात कर लेते हैं अब कंक्लूजन और प्रोटेक्शन की। देखिए जो सक्सेसनेस होती है बर्थडे अटैक की वो डिपेंड करती है साइज ऑफ डाइजेस्ट इन आउटपुट और नंबर ऑफ मैसेज हैश्ड के ऊपर। मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज़ आई हैं किसी भी हैश के सेम फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने की, उसके ऊपर जो सक्सेस होती है बर्थडे अटैक की वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। अब अगर हमें प्रोटेक्ट रहना है बर्थडे अटैक से तो हमें लेंथ जो पासवर्ड की होगी उसको बड़ी करनी पड़ेगी, उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स इंक्लूड करने पड़ेंगे। जो हैश फंक्शंस होगा उसकी जो लेंथ होगी, उसका जो साइज़ होगा, उसकी जो इनपुट बिट होगी,
उसको हमें लेंथ को बढ़ा देना चाहिए ताकि जो बर्थडे अटैक है वो ना हो पाए और कोई भी हैकर कोई भी अटैकर हमारे ऊपर हैक करने से पहले सोचे कि भाई इसकी हैश काफ़ी ज़्यादा लेंथी है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया जाएगा उस हैकर का और कभी कभी तो सालों 10 साल 15 साल लग जाते हैं एक टारगेट को एक सिस्टम को हैक करने में अगर आपने अपना हैश फंक्शन बड़ा कर दिया है तो। एडिशनली अगर टेक्निक जो होता है सॉल्टिंग का यूज़ करिए आप जहाँ पर रैंडम वैल्यू स्टोर हो जाती हैं या ऐड हो जाती हैं इनपुट मैसेज के अंदर हैशिंग से पहले, तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं कुछ प्रिकॉशंस हैं कुछ प्रोटेक्शंस हैं जो मैंने आपको बता दिए बर्थडे अटैक से। आप अगर अभी भी अगर आपको बर्थडे अटैक के बारे में और कुछ समझना है तो आप पुरानी वीडियो देखें, पुरानी वीडियो में भी मैंने पूरा बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक बर्थडे अटैक समझाया है, वो वीडियो देखें आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दी है, उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बेसिक से समझाया है तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट है बर्थडे अटैक से रिलेटेड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलता हूँ मैं आपसे एक जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल AR नेटवर्क।